जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 2023 कांवड़ यात्रा कब शुरू होगी, किस दिन किया जाएगा भगवान महादेव का जलाभिषेक, कांवड़ यात्रा शुरू होने के पीछे क्या है पौराणिक मान्यता, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और अपडेट्स के लिए। सावन का पवित्र महीना जल्द ही शुरू होने जा रहा है। 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह महीना उत्तम माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करते हैं, उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। सावन में कई शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल कांवड़ लेने जाते हैं। सावन शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाती है, यानी कि इस साल कांवड़ यात्रा का आरंभ 4 जुलाई से होगा। हर साल सावन में लाखों की तादाद में कांवड़िया पदयात्रा करके कांवड़ लेकर आते हैं और गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक करते हैं। वैसे तो आप पूरे सावन में कभी भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सावन की शिवरात्रि पर लाखों की संख्या में लोग जलाभिषेक करते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 को है, इस दिन ही जलाभिषेक किया जाएगा। जान लेते हैं कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। कांवड़ यात्रा को लेकर के कथा है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव के मंदिर में चढ़ाया था। इस समय श्रावण का मास ही चल रहा था। इसके बाद ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा हर साल श्रावण माह में की जाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता है। इसके अलावा एक अन्य मान्यता यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब सावन का महीना चल रहा था। मंथन के दौरान जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में समाहित कर लिया था। इसके बाद वह नीलकंठ महादेव कहलाए थे। विष के कारण उनके अंदर काफी गर्मी हो गई थी। भगवान शिव की गर्मी को शांति के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर विभिन्न नदियों से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और इसी के साथ कांवड़ में जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा भी शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता भी है। कांवड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने श्रावण मास में अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कांवड़ यात्रा कराई थी। अपने माता पिता को कांवड़ में बैठा कर वे हरिद्वार लेकर आए थे। यहाँ से लौटते समय वह अपने साथ गंगा जल लेकर आए थे, जिसे उन्होंने अपने माता पिता के साथ मिलकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। कहा जाता है तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि जरूर लिखना। इसके साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की पौराणिक कथाओं के लिए। इस तरह से मुझे मिलेगा मोटिवेशन इसी तरह की और वीडियोस को बनाने का और अपडेट करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।